IMA ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਬਾਹਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। मैं बठिंडा और पंजाब और देश के सभी वासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस के चलते हुए जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पूरा ध्यान रखें और सब लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त ये है कि हालांकि सभी हॉस्पिटल्स में OPD और एम्बुलेंस से भी ये हम बहुत बार कह चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि छोटी मोटी दिक्कतों के कारण अपने घरों से हॉस्पिटल दिखाने के लिए, हॉस्पिटल में OPD की कंसल्टेशन के लिए ना आए। हमने जो आपको हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं हमारे 71 डॉक्टर्स के, वो आपके लिए छोटी मोटी दिक्कतों के लिए हमेशा उपलब्ध हैं। आप उनसे फ़ोन पे बात करके उनसे कंसल्टेशन ले सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि हमारे खुले हैं और सभी तरह की OPD और एमरजेंसी सेवाएँ उपलब्ध हैं, लेकिन बाहरले जिले से केस आए हैं पॉजिटिव, बठिंडा बिल्कुल सेफ है फिलहाल, है ना जी। पर बाहरों के पेशेंट इस तरह के आते हैं, चार चार व्यक्ति नाल आते हैं, है ना, कोई इस तरह के प्रशासन और सुझाव की गल की कोई सरकार ने रबता कायम किया हो? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अभी बठिंडा जो हमारा है वो ग्रीन जोन में है और आसपास के जो हमारे जो भी एडजॉइनिंग 5-6 डिस्ट्रिक्स हैं वो सभी ऑरेंज या रेड जोन में हैं। तो मेरा मानना ये है और साइंटिफिक भी यही है कि बाहर के करने देना चाहिए। उसके पीछे रीज़न यही है कि अगर बाहर के लोग वहाँ से यहाँ आएंगे तो हमारा जो लॉकडाउन का पर्पज़ है और जो ये कोरोना के वायरस है वो पेशेंट के साथ, पेशेंट के रिलेटिव्स के साथ, एम्बुलेंस के साथ यहाँ एंटर कर जाएगा, तो जो हमारा ग्रीन जोन है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसमें अब एक ह्यूमनिटेरियन ग्राउंड आता है कि जी उन मरीजों का क्या होगा। तो इस संबंध में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आसपास के सभी जर्मल सुविधाएं हैं, चाहे सर्जरी की है, गायनी की है, ऑर्थोपेडिक्स की है, आई की है, ENT की है और यूरोलॉजी की है, इस तरह की सभी सुविधाएं आसपास के सभी ज़िलों में उपलब्ध हैं। तो इन समस्याओं के लिए वहाँ के जो एबल स्पेशलिस्ट हैं उनसे रब्ता कायम किया जाए, जो डिस्ट्रिक्ट लॉक हैं उन्हीं को लॉक्ड रखा जाए। हाँ, कुछ सुविधाएं जो आसपास के ज़िलों में नहीं है, जैसे कार्डियोलॉजी है, न्यूरो सर्जरी है या डायलिसिस की फैसिलिटी नहीं है, तो ये 2-3 जो सुविधाएं हैं इनके लिए अगर कोई पेशेंट आना चाहता है तो सिर्फ उसी को अलाउ किया जाए, मेरा मानना ये है, ताकि हम हमारे जो बठिंडा को ग्रीन जोन में ही रख सकें। दर्शक देखे हैं जिले एक पेशेंट उन्होंने चार व्यक्ति आते हैं, है ना, कोई इस तरह सुझाव रखा है भी वो उस जिले से संबंधित CMO राही एक पास जारी करके ही बठिंडा के सेंटर हो, कोई इस तरह का रखा हुआ है? और नहीं, आपकी बात भी कभी ऐसा होता है कि जैसे हार्ट का पेशेंट है उसको एमरजेंसी में आना है, या न्यूरो सर्जरी का, हेड इंजरी का पेशेंट है उसको एमरजेंसी में आना है, तो उस कंडीशन में अगर पास बनाने में वक्त ख़राब होगा तो वो ठीक नहीं है। लेकिन मेरा इसमें इतना ही सबमिशन है कि जो भी नाके पे पुलिस के अपने ऑफिसर्स और पुलिस के जवान खड़े हैं वो बहुत समझदार हैं, वो इतनी समझदारी से काम कर रहे हैं जिसकी कोई आप मिसाल नहीं पेश कर सकते। सिर्फ उनको एक इतना ही गाइडलाइन देने की ज़रूरत है कि आप अपने लेवल पे प्लीज़ जज करो कि ये हार्ट से संबंधित या सिर की चोट से संबंधित या डायलिसिस से संबंधित इस तरह का कोई मरीज़ है तो आप सिर्फ उसको एंटर करने दो एमरजेंसी में। बाकी मान लो कोई डिलीवरी है, सिजेरियन है, जो उन ज़िलों में होते हैं, या कोई फ्रैक्चर का केस है, उस अगर वो उस ज़िले में हो सकता है तो उनको बोलो कि आप अपने ज़िले में जाके वहाँ पर।